चकाओं की एक महिला ने पुलिस थाना टापरी में आकर के रिपोर्ट किया है कि उसकी बेटी है जिसकी उम्र 7 साल है, और आगे उसने ये कहा कि उसकी बेटी के साथ उसी चगांव गांव का एक व्यक्ति है, जो लड़का है जो नाबालिग है, वो भी 11 साल उसकी उम्र बताई जा रही है, उसने उसकी व्यक्ति के साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया हुआ है। और उसने ये भी कहा कि मेरी बेटी के साथ रेप हुआ है। उसके इस बयान पे जो है वो मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जो धारा 376, 506 और 4 ऑफ द पॉक्सो एक्ट में दर्ज करके जो विक्टिम थी, जो लड़की थी, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन वहीं टापरी में हॉस्पिटल में करवाया गया। और मेडिकल एग्जामिनेशन कराने के बाद डॉक्टरों की राय के मुताबिक फिर उसको वहाँ से उनके माँ बाप के हवाले उसको लड़की को किया गया। और उसके बाद जो जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, जो लड़का 11 साल का आरोपी इसमें है, उसको डिटेन किया गया, उससे पूछताछ की गई, उसने भी इस अपराध की स्वीकृति की। और उसके बाद उसको पूछताछ के बाद उसे जो है उसके पिछले रात को उसके माँ बाप के हवाले किया गया था, क्योंकि उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता वो माइनर होने की वजह से। और आज उसे रामपुर में न्यायालय में पेश किया जा रहा है। फर्दर आदेश जो भी न्यायालय के होंगे उस हिसाब से आगे की इसमें कार्रवाई की जाएगी। जो पीड़ित लड़की है उसका कुछ उन्होंने कुछ जो है उसके चीज़ें प्रिजर्व की गई हैं, और कुछ मेडिकल ओपिनियंस जो है आगे से एक्सपर्ट से मांगा गया है। उसके बाद ही इस पे फाइनल राय कि जो आरोप लगाए गए हैं वो डॉक्टर देगा, उसी हिसाब से आगे आगामी इसमें कार्रवाई की।